वेलकम स्टूडेंट्स, अराइज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। ये वीडियो क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रेशन नंबर का सेकंड वीडियो है और इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, तो आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज -2/3 × 3/5 +5/2 एंड -3/5 × 1/6। तो आप देखेंगे कि इस टर्म में और इस टर्म में 3/5 जो है वो कॉमन है, तो हम पहले सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों टर्म्स को जिसमें 3/5 है उनको एक साथ ले लिया, 5/2 को हमने अलग ले लिया। उसके बाद इन दोनों में से हम 3/5 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में 3/5 सेम है तो कॉमन ले लिया। यहाँ बचा -2/3 माइनस, और ये यहाँ बचा 1/6 +5/2। दिस इज द बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 2/5 × 3/-7 -1/6 × 3/2 +1/14 × 2/5। तो यहाँ देखेंगे आप, इस यहाँ पर 2/5 है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में भी 2/5 है, तो बेसिकली वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे पहले। तो इसको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमने एक साथ ले लिया, इस टर्म को हमने बाद में ले लिया। इन दोनों में 2/5 है, 2/5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से -3/7 प्लस यहाँ से बनेगा बचेगा 1/14। और ये जो है इसको हमने जब ये वाला जो टर्म है इसको हमने सॉल्व किया तो 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 = 6, तो ये 1/4 बचेगा यहाँ पर। ना इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर फर्दर इसके साथ एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -11/28। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि जो एडिटिव इनवर्स है वो बेसिकली नेगेटिव ऑफ द नंबर होता है, यानी कि उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो जो 2/8 है इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा -2/8, -5/9 का हो जाएगा 5/9। नेगेटिव का मतलब होता है साइन चेंज करना, किसी भी नंबर का नेगेटिव निकालना या एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब होता है कि इसका साइन चेंज करना। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी नंबर सेम रहेगा। -6/-5 है, तो देखिए -/- प्लस होता है, इसका मतलब ये 6/5 जो है वो प्लस है, तो ऑब्वियसली इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा। 2/-9 है तो ये प्लस हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। 19/-6 है, देन इट विल बी 19/6। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई --x = x, यानी कि माइनस और ब्रैकेट में माइनस एक्स लेते हैं तो एक्स है, ऑब्वियसली आपको पता है -(-) प्लस होता है तो एक्स ही होगा, लेकिन हमें एक्स की ये वैल्यू पुट करके वेरीफाई करनी है। तो हम देख लेंगे x = 11/15 है, तो हम पहले LHS में पुट करते हैं -(-11/15), ये -(-+11/15) हो जाएगा और इधर हमें x में वैल्यू पुट करनी है तो 11/15 = 11/15 ही होगा, तो ये 11/15 = 11/15 हो गया। सो LHS = RHS, hence verify। सिमिलरली बाकी वैल्यू रख के भी हम इसको पुट कर लेंगे, से दोनों तरफ सेम आंसर आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है, इसमें साइन चेंज नहीं होता लेकिन रेसिप्रोक हो जाता है। जैसे 13 है तो 13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/13। तो देखिए -13 जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/13, -13/19 का रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ही होता है, तो इट इज -19/13। सिमिलरली 1/5 का 5 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है -5/8 × -3/7, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 3 = 15 और -(-) हो जाएगा तो ये +15 हो जाएगा, एंड 8 × 7 = 56, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा दिस इट इज 56/15। नाउ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका निकालना है हमें, -(-) हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल जो होगा वो 5/2 हो जाएगा, -1 का होगा 1/-1। नाउ नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लीकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है वो आपको बताना है। तो देखिए -4/5 × 1 = 1 × -4/5,
सो नाउ देखिए, वन का मल्टीप्लाई हो रहा है, वन हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी। इसके अलावा एक हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि देखिए ये अपने प्लेस को कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू वन इक्वल टू वन इंटू माइनस फोर अपॉन फाइव। आप तो दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन इंटू माइनस टू अपॉन सेवन इक्वल टू माइनस टू अपॉन सेवन इंटू माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन। तो आप साफ देख रहे हैं कि दोनों में क्या है कि ये अपने प्लेस को कम्यूट कर रहे हैं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है, तो ऑब्वियसली ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पर देखेंगे आप माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी नाइन अपॉन माइनस नाइनटीन इक्वल टू वन, तो आप देखेंगे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ये, यानी रेसिप्रोकल है ये, तो और इसका जो आंसर आता है दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन थर्टीन बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन। आसान है, आप कर सकते हैं, सिक्स अपॉन थर्टीन को मल्टीप्लाई करना है माइनस सेवन अपॉन सिक्सटीन के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से या रेसिप्रोकल से, तो ये सिक्सटीन अपॉन माइनस सेवन हो जाएगा या माइनस सिक्सटीन अपॉन सेवन हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1 बाई थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर बाई थ्री एज 1 बाई थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर अपॉन थ्री, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको इस तरीके से कंप्यूट करने के लिए अलाउ करती है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ एसोसिएशन बन रही है, पहले ये एसोसिएशन थी फिर इन दोनों की एसोसिएशन बन गई, सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। नाउ क्वेश्चन नंबर एट देखिए, इज एट बाई नाइन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन अप माइनस वन वन अपॉन एट, वाई और वाई नॉट। तो हम चेक करेंगे कि क्या एट अपॉन नाइन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इसका। तो वैसे भी आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ये माइनस में है। चलिए हम चेक करते हैं, सिंस द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए इज वन अपॉन ए, इफ ए इंटू वन अपॉन ए इक्वल टू वन, देन हम कह सकते हैं कि वो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, जैसे कि हमने देखिए इस प्रॉपर्टी में किया था कि एक नंबर है और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिया था, दोनों का मल्टीप्लाई करके वन आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे, एट बाई नाइन इंटू माइनस वन वन बाई एट, तो दिस इज एट बाई नाइन और ये हो जाएगा आपका माइनस नाइन बाई एट, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस नाइन अपॉन एट आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा माइनस वन, और आपको पता है माइनस वन जो होता है वो आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती है। आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन, आपका आंसर वन आना चाहिए और यहाँ माइनस वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। चलिए ये जीरो पॉइंट थ्री द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ थ्री वन बाई थ्री वाई और वाई नॉट, तो देखिए हम वही सेम काम करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी वन आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो करते हैं मल्टीप्लाई दोनों को, 0.3 नंबर है और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बता रहे हैं कि 3 1 बाई 3 है, तो 3 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.3 इज बेसिकली 3 अपॉन 10, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, और 3 3 जा 9, 9 इन 1 10, 10 अपॉन 3। आप देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 1, एंड 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। चलिए आगे लिखना है आपको, कुछ नंबर्स लिखने हैं, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो 1 और माइनस 1 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 वो भी 1 आएगा आंसर, और माइनस 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस 1 वो भी माइनस 1 ही आएगा आंसर। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो वो केवल 0 होता है, क्योंकि 0 का नेगेटिव माइनस 0 और वो भी 0 ही होगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। नाउ द नंबर्स, 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 0 को 1 अपॉन 0 करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, तो इसलिए इसका मतलब कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स,
तो ये हमने पहले भी किया था, वन और माइनस वन ही अपने रेसिप्रोकल होते हैं, तो वन और माइनस वन आएगा यहाँ पर। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज माइनस वन अपॉन फाइव, रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज एक्स, वन अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल एक्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने रेशनल नंबर्स में, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज बेसिकली पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी एक हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है और हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।